नमस्कार, मैं अरुण कुमार शाही, डिजिटल न्यूज 20 से चीफ रिपोर्टर। अभी मैं मुजफ्फरपुर शहर के ख्याति प्राप्त साहित्यकार उदय नारायण सिंह से हमारी बातचीत हो रही है। सर, आप ये बताएं कि आपने बहुत ढेर सारी कविताएं पुस्तक लिख चुके हैं और आप कई जगह से सम्मानित भी हुए हैं। आप थोड़ी सी अपने प्रमुख पुस्तक का नाम और कहाँ कहाँ कैसे सम्मान आपको मिला, थोड़ी सी जानकारी दे। मेरी साहित्यिक यात्रा तो बाल काल से, जब मैं 13 साल का था उस समय से मेरी साहित्यिक यात्रा शुरू हुई और आज तक वो यात्रा चल रही है। कविताएं तो मैंने फुटकर, कहानियां बहुत मैंने लिखी हैं और जो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं, लेकिन पुस्तक के रूप में अभी तक हमारी 5 पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं और 5-7 आने वाली हैं। 5 जो हुई हैं उसमें सबसे पहली जो हमारी पुस्तक है उसका नाम है अनुभवा, दूसरी जो पुस्तक आई है वो रागानुराग है, तीसरी जो पुस्तक आई है उसका नाम अमोला कहानी संग्रह है, वो बज्जिका में, शुद्ध बज्जिका में, बज्जिका भाषा हम लोगों की है, उस बज्जिका भाषा में वो पुस्तक है। इसके बाद एक आख्यानक काव्य आया है, सविता मजार आख्यानक काव्य है, उसमें सावित्री और सत्यवान की कहानी है, उसको हमने कविता में बांधा है। और 5वां है बज्जिका भाषा साहित्य का इतिहास, वो का ये सब अभी तक आया है और इसको जिन लोगों ने भी देखा है, पढ़ा है, सबों ने सराहा है, सबको अच्छा लगा है। एक दो ने इस पर हमें दर्जनाधिक सम्मान प्राप्त हुए हैं, उसमें महाकवि रमन सम्मान, पंडित घुड़ामल शास्त्री सम्मान, सजदानंद नंद सम्मान, अयोध्या प्रसाद खत्री सम्मान, गोपाल सिंह नेपाली सम्मान, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री सरस्वती सम्मान, साहित्य शिरोमणि सम्मान, ऐसे दर्जनाधिक सम्मान हमको इसमें प्राप्त हुए हैं और अभी भी सम्मान लगा हुआ है। अभी 15 को सम्मान के लिए पुनः बुलाया जा रहा है। इस सब हमारी साहित्यिक जो कृतियां हैं, साहित्यिक कृतियां लोगों को अभिभूत करती हैं, लोगों को जस्ती हैं, प्रिय लगती हैं, इसलिए लोग चाहते हैं कि इनको हम सम्मानित करें और वो मुझे सम्मान देते हैं इस साहित्य के क्षेत्र में। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।